यस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। समाधि का विषय चल रहा है और पिछली कक्षाओं में हमने कुछ गीता के श्लोकों को इसके साथ जोड़ा था कि समाधि की प्राप्ति कौन कर सकते हैं, अर्थात समाधि का तात्पर्य अनंत शांति की प्राप्ति, और शांति का अधिकारी कौन हो सकता है, जो जीतात्मा है, जो इंद्रियों पर जय कर लेता है, जो शांत आत्मा है, अपने लक्ष्य से जो कभी विचलित नहीं होता है, इन सांसारिक बाधाओं में जो अपने को खो नहीं देता है, अपने को इससे दूर रखता है, शारीरिक आकर्षण से, सामाजिक आकर्षण से, जो भी आकर्षण संसार में अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनसे वह योगी, वह अष्टांग योग का पालन करता ऊपर रहता है, अर्थात उसमें जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी वह जल में और उस कीचड़ में लिप्त नहीं होता है, उस पर उसका प्रभाव नहीं होता है, ऐसा एक योगी, ऐसा एक समाधिस्थ व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। योग जब हमारे जीवन में घटित होगा तो निसंदेह ये शांति का आधान हमारे जीवन को महान बनाने में महान उपकारक साधन सिद्ध होते हैं। आगे मैं बढ़ूं, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो? ओम पूज्य जी, समाधि जैसे योग दर्शन में है, एक संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि जी। योगस चित्त वृत्त निरोध जो बात है वो तो होता है आपका संप्रज्ञात समाधि, और उसमें तो एक चीज में खो जाना को शायद वहां बोलते हैं इसी समाधि, लेकिन जब शांतिवाद आप बोलते हैं पूरा, पिछले कक्षा में भी ये बात भी आपने चर्चा किए थे जी, ये पूरा शांत में रहेगा वो तो असंप्रज्ञात समाधि होगा शायद, इस बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे गीता में है, व्याह कामान यह सर्वान पुमान चरण निष्पृह निर्मम निरहंकार सो शांतिम अधिगच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति स्थिति। और तो इसका नेक्स्ट में जो वर्णन गया है ब्राह्मी स्थिति, जो ब्राह्मण ये को निर्वाण को प्राप्त होता है जी, तो ये जो समाधि बारे में अभी दर्शकों को थोड़ा क्लियर करने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए, जे एक चीज में खो जाना धारणा ध्यान समाधि के बाद, वो तो पहले संप्रज्ञात समाधि में शायद आएगा, कोई चीज में एक चीज में खो जाना उसमें प्राप्त करने के लिए, परंतु जो किसी भी चिंता नहीं आएगा, विचार शून्य हो जाएगा, और तो वो संप्रज्ञात समाधि है, क्या है थोड़ा स्पष्टीकरण इसके विषय में। हमने पिछली कक्षाओं में चर्चाएं की हैं कि जब मन को एकाग्र किया, धारणा ध्यान और समाधि, ध्यान की जो एकाग्र अवस्था है, जो अविचलित अवस्था है, वही ध्यान समाधि उसका परिणाम है। और फिर क्या होता है कि एक ध्येय है, एक ध्याता है और एक ध्यान है, तीन चीजें आती हैं। इन चीजों में जब व्यक्ति केवल ध्येय पर केंद्रित हो जाता है, अपने को बिल्कुल भूल जाता है, ठीक है ना, जो ध्याता है अपने को भूल जाता है, केवल उसको ध्येय पर पूरा नियंत्रित होकर के ध्यान केंद्रित कर लेता है, तो वो समाधि की उच्च अवस्था होती है। और उसको अनेक महापुरुषों ने अलग अलग नाम दिए हैं, कोई शांति की प्राप्ति बोल देता है, कोई उसको जो है निर्वाण की शांति और निर्वाण पराम शांति पराम गति को बता देते हैं। ये कुछ इसमें जो आपने संकेत किए हैं, गीता में भी कई स्थानों पर इसका विशेष वर्णन मिलता है कि जो ये छठे अध्याय के 15वें श्लोक में भी ऐसी कुछ बात आई है
कहा कि युञ्जनेवम सदात्मानम योगी नियत मानसहा शांतिम निर्वाणम परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। कि इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, आपके संदर्भ में यह श्लोक बहुत अच्छा है। युञ्जनेवम सदात्मानम, युञ्जनेवम सदात्मानम योगी नियत मानसः, शांतिम निर्वाणम परमाम शांति निर्वाणम परमाम मत संस्थामधिगच्छति। उच्चारण करेंगे, युञ्जनेवम सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाणम परमाम मत संस्थामधिगच्छति। युञ्जनेवम सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामधिगच्छति। इस विषय में कहा कि युञ्जनेवम सदात्मानम, जो अष्टांग योग के माध्यम से सतत योग का अनुपालन करता है, वह योगी अपने आप को योग में नियुक्त करता हुआ मन को नियंत्रण में रख करके स्थिर चित्त से आंतरिक ध्यान के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप में मगन होने से
मुझ में प्रतिष्ठा वाली निर्वाण रूपा, जो निर्वाण रूप परमा शांति को प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और जब शांति हमारे जीवन में आती है तो चाहे हमको कोई कितना भी आकर्षण संसार का दिखाए, कितना भी भोग्य पदार्थ हमको दिखाए, हमारा ध्यान उधर जाता ही नहीं, वो आकर्षण अपनी ओर हमको खींच नहीं पाता है। इसलिए विशेष रूप से इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम समाधि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसमें अष्टांग योग के पालन के बिना हो ही नहीं सकता है। अष्टांग योग का पालन करेंगे तो ये निश्चित रूप से सफल जीवन के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। और यदि कोई भी व्यक्ति आंशिक रूप से इसका पालन करेगा तो आंशिक लाभ मिलेगा, और पुरुषार्थ करेगा और लाभ मिलेगा। ये तो जो है एक सिद्धांत है, जितना जो करेगा उसको उतना फल मिलेगा, उसमें कोई शंका नहीं है, कोई विशेष उसमें ये नहीं है कि व्यक्ति उसमें धोखा खा जाए, क्योंकि ईश्वर के नियम अटल हैं। और आगे भी यही बात कही कि समाधि की प्राप्ति किनको नहीं हो सकती है, तो समाधि की प्राप्ति, क्योंकि इस संसार में आते हैं तो सब अपने अपने कार्य करते हैं, जो असत है वो भी कार्य कर रहा है, जो सत्य है वो भी अपना कार्य कर रहा है, इस संसार में जो दुर्जन है वो अपना कार्य कर रहे हैं, जो सज्जन है अपना कार्य कर रहे हैं, जो अभद्र हैं वो अभद्रता फैलाएंगे, जो भद्र हैं वो भद्रता का विस्तार करेंगे। तो कहा कि नात्यस्नस्तु योगोस्ति ना चैकांत मनस्नतः ना चाति स्वप्नशीलस्ते जागृतो नैव चार्जुना, कि इन लोगों को कभी समाधि की सिद्धि नहीं हो सकती है। कौन? जो अधिक खाने वाले हैं, अधिक खाएंगे तो वो समाधि कैसे बैठ पाएंगे, सो जाएंगे, वो समाधि उनको सिद्ध नहीं होगी। तो कहा कि ये जो अधिक है अर्जुन, योग न तो अति अस्नतः न अस्नतः न च एकांतम अस्नतः न च अति स्वप्नशीलस्ते न च जागृतः एव अस्ति, इनको योग सिद्ध नहीं होता, इनकी समाधि कभी लग नहीं सकती। जो अधिक खाते हैं, जो बिल्कुल नहीं खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाएंगे तो नींद कैसे उनको जो है आएगी, या शरीर कैसे काम करेगा, क्योंकि शरीर ठीक ठीक काम करे उसके लिए संतुलित निद्रा भी आवश्यक है। दो दिन चार दिन यदि व्यक्ति जो है भोजन ना करे तो हो सकता है काम चल जाए, लेकिन यदि उसको सोने से कोई मना कर दे तो बड़ी कठिनता है, क्योंकि ये व्यक्ति विश्राम नहीं करेगा, मानसिक यदि उसको विश्रांति नहीं मिलती तो व्यक्ति असंतुलित मस्तिष्क वाला हो जाता है, पागलपन हो सकता है उसको। इसलिए व्यक्ति कितना भी शोक में हो, कितना भी उसके यहाँ समस्याएं हो, कितना भी कार्य हो, थोड़ा सा सोता जरूर है, क्योंकि वो फिर दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए कहा कि बिल्कुल जो नहीं खाने वाला या अधिक खाने वाला, और खूब सोने वाला या बिल्कुल नहीं सोने वाला, अत्यधिक जागने वाला, इनको कभी भी योग सिद्ध नहीं होता है। अर्थात कहा था योगा समाधि, योग क्या है? समाधि है। इनको समाधि की सिद्धि कभी होती नहीं है। सात्विक कार्यों में भी हमको संतुलित आहार, संतुलित विचार, संतुलित निद्रा का सेवन करना ही पड़ता है, यदि नहीं करेंगे तो ये इस कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। और ये बहुत उत्तम बात कही है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसको भी आप लिख लीजिए कि किनकी समाधि सिद्ध होती है और कौन वास्तव में योग अपने जीवन में उतार सकता है। इसके लिए आहार की परम शुद्धि और परम उसका कहते हैं कि हित भूक मित भूक रित भूक, कि मतलब आप जो है हितकारी भोजन करें,
और परिमित हो, उसमें ज्यादा नहीं कि क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी की कोई चिंता नहीं, कितने भी आप खा लो, ऐसा नहीं। हित भूक मित भूक परिमित होना चाहिए, और हित भूक वो ईमानदारी का हो, सच्चाई की कमाई का हो, दूसरे का हिस्सा ना हो, और ऋतु के अनुकूल भी होना चाहिए। यहां पर वही बात कही कि संयमित जीवन किसका है, जो समाधि की प्राप्ति में विशेष जो योग जिससे सिद्ध हो सकता है, उसके लिए क्या करना है, युक्ताहार विहारस्य। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ये तो स्मरण सबको होना ही चाहिए, युक्ताहार विहारस्य। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य स्वप्नवबोधस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उच्चारण करेंगे, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। तो बहुत अच्छा श्लोक है और हमको एक दिशा देता है कि जिसका आहार युक्ता आहार युक्त आहार, और आहार से हम उन सभी पदार्थों को ग्रहण कर सकते हैं जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। आंखों का आहार रूप है, कानों का आहार शब्द है, नासिका का आहार
गंध है और त्वचा का आहार स्पर्श है और जो मुख्य आहार ग्रहण जिससे किया जाता है वो क्या है, रसना, जिसका रस आहार है। अन्न के रूप में, द्रव्य के रूप में जो भी आहार लेते हैं ये युक्त होने चाहिए, अयुक्त नहीं। हमारा देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, बोलना, चखना, ये युक्ति युक्त होना चाहिए। इसमें संतुलित जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जिसका आहार ठीक नहीं है, यथा योग्य आहार विहार करने वाले का ही कर्मों में युक्त चेष्टस्ते, अर्थात जिसका आहार विहार नियमित है, कर्मों में चेष्टाएं जिसकी संयमित है, जिसकी मन शांति निश्चल है और जिसका सोना जागना उठना बैठना केवल उसी को यह योग सिद्ध होता है, उसी को समाधि की प्राप्ति होती है और उसके दुखों का नाश करने वाला होता है। योगो भवति दुखा, उसी को योग सिद्ध होता है। और जब योगी व्यक्ति हो जाता है, योग उसके जीवन में सिद्ध हो जाता है, तो यही उसके दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। इसलिए विशेष यह हमको ध्यान रखना चाहिए कि आहार के विषय में, विचार के विषय में बिल्कुल प्रमाद नहीं होना चाहिए। यदि आहार हमारा दूषित हो गया तो हम शरीर से रोगी हो जाते हैं, और यदि विचार हमारा दूषित हो गया तो मन से हम बीमार हो जाते हैं। अर्थात आदि और व्याधि आ जाती है, और आदि और व्याधि की समाप्ति के लिए समाधि की आवश्यकता होती है। समाधि कब सिद्ध होगी? जब ये युक्त आहार विहार। आहार के विषय में लोग ध्यान नहीं देते अक्सर। अभी की जो परिस्थितियां हैं उनमें जो बीमारियां अधिक होती हैं, जो लोग जो है योग को नहीं करते, भोग करते हैं, तो भोगे रोग भयम्, यत्र भोगास तत्र रोगाः, जहां जहां भोग है वहां वहां रोग है। तो इसकी जो है परिसमाप्ति कहां है? परिसमाप्ति युक्त अर्थात संयमित आहार होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। आहार की यदि शुद्धि नहीं है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से मन पवित्र होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और मन हमारा यदि दूषित है तो योग हमारा कभी सिद्ध नहीं हो सकता, समाधि की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती है। इसलिए मन की शुद्धि के लिए आहार की शुद्धि परम आवश्यक है, और आहार शुद्ध है तो भी अगली बात जो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि आहार शुद्ध है, पवित्र है, तो भी युक्ति युक्त हो, संतुलित हो। ऐसा नहीं कि दूध तो जो है सात्विक आहार है, सत्व को बढ़ाता है, लेकिन दुग्ध पान का कोई जो है हमने परिमाण, कोई मात्रा सुनिश्चित नहीं की और अनाप शराप दूध पी गए, तो एक भी यदि घूंट हमारी आवश्यकता से ज्यादा हम पीते हैं तो वो हमारे शरीर में रोग ही उत्पन्न करेगा। घृत है, गाय का घी हो या अन्य दूध से बना घी हो, तो घी तो पौष्टिक होता है, आयुर्वेद घृतम, घी खाने से आयु बढ़ती है। तो घी खाने से कोई बोलते हैं आयु बढ़ती है तो आज मिल जाए तो पी जाए पूरा घी, आयु बढ़ा ले, ऐसा यदि कोई करेगा तो ये संतुलित आहार नहीं होगा। है तो सात्विक आहार, लेकिन उसका हमने परिमाण सुनिश्चित नहीं किया है और रोगी हो जाएगा व्यक्ति, दस्त उसको लगेंगे, दस्त होंगे तो योग कैसे सिद्ध होगा? योग नहीं सिद्ध होगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, शरीर रोगी हो जाएगा, तो समाधि कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती है। इसलिए कहा युक्त आहार विहार, ऐसे अनेक आहार जो भी हैं हम उसको इसमें देख सकते हैं कि कैसे आहारों का ग्रहण करना चाहिए।
और विहार, विहार से तात्पर्य क्या है? दिनचर्या। दिनचर्या जिसकी अच्छी है वही व्यक्ति अष्टांग योग का पालन कर सकता है। दिनचर्या में सुबह जगने से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत हमारी चेष्टाएं कैसी हैं, हम समय से उठते हैं कि नहीं उठते हैं, समय से अपनी सारी दैनिक क्रियाओं को करके जो सुनिश्चित कर्म हैं उनको करते हैं कि नहीं करते, उठने का, सोने का, जागने का, खाने का संतुलित जो व्यवहार है उनको हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यदि कर रहे हैं तो हमारे जीवन में संतुलन रहेगा। युक्त चेष्टस्ते, चेष्टा हमारी बहुत ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि चेष्टा यथा योग चेष्टा करने वाले का ही योग सिद्ध होता है। कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए, अनधिकृत कार्य नहीं करना चाहिए, अनधिकार रूप से किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अनधिकृत क्षेत्र में कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसे संसार में जो भी कार्य है यदि हमारी चेष्टाएं संतुलित हैं तो हमारा योग सिद्ध होगा। कर्मसु, सारे कर्म अच्छे हों। और युक्त स्वप्न अवबोधस्य, जो स्वप्न का अवबोधन है यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का है। स्वप्न का मतलब यहां सोने से है, जिसका सोना और जागना उचित है केवल उसी को यह योग सिद्ध होता है, उसको समाधि की प्राप्ति होती है और उसके दुखों का समूल नाश हो जाता है। और यहां संसार में हम इसीलिए तो आए हैं, दुखों का नाश करने के लिए आए हैं, तो हम इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहें। इस चर्चा को अगली कक्षा में और हम करेंगे, अभी यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।